अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू। दोस्तों, आज कनाडा के वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर न्यूफाउंडलैंड के बारे में बात करेंगे, जिसकी लास्ट डेट जैसे कि आपने देख लिया होगा कि 24 जनवरी 2024 है। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो फौरन रजिस्टर करें, आप खुद भी रजिस्टर करें, अपने दोस्तों को भी रजिस्टर करवाएं। ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं पे करनी आपको, कोई वीज़ा फीस नहीं पे करनी। इवन के अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं जब, तो आपको जो एयरलाइन की टिकट है वो भी फ्री ऑफ कास्ट जो है वो आपको मिलेगी। इसमें आसान सा तरीका है, एक छोटा सा आप ऊपर देख रहे हैं इस तरह का एक फॉर्म होगा, ये जो डायलॉग बॉक्स आपने देखा है, यहाँ रजिस्टर करें, अपना नाम, अपना क्वालिफिकेशन, अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, अपनी डिटेल जो है वहाँ पे सिंपली आप फिल करेंगे और सबमिट करवा देंगे। और लास्ट डेट दोस्तों इसकी जो है वो 24 जनवरी है। आपके पास सिर्फ यही एक वीक बचा है, अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप जाकर रजिस्टर कर लें। और इसमें कोई आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर और कोई और भी जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये जैसे यूएसए में डीवी लॉटरी थी 2024-2025 अभी जो आने वाले हैं, तो इसी तर्ज का ये प्रोग्राम है जो कि वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर है के नाम से इन्होंने शुरू किया। और ये एक नया सूबा है और यहाँ ये जो है वो आपको जैसे सेलेक्ट करने के बाद छोटा सा आपका एक इंटरव्यू होगा और उसमें आप सेलेक्ट होंगे और उसके बाद जो है आपको जो है वो डायरेक्ट पीआर दी जाएगी और पीआर पे जो है आप कनाडा जो है वो मूव करेंगे। तो बहुत ही अच्छा चांस है, इसको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बायो में यूट्यूब का लिंक है, वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और काइंडली कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा और क्या आपने वाकई अप्लाई कर दिया। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको एक और टिप दे देता हूँ कि किसी भी अपने दोस्त से, पढ़े लिखे से अप्लाई करवा लें। बहुत शुक्रिया, दुआओं की दरख्वास्त है। खुदा हाफिज़।